हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ आज एक नया वीडियो, कुछ नया टॉपिक। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देना। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो अपने स्नैपचैट की आईडी है, उस आईडी को कॉपी कैसे करते, किसी के पास शेयर कैसे करते। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल क्यों होने वाली, तो आप इस वीडियो कर देना शुरुआत में लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हो स्नैपचैट की आईडी को, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देना और बीच में इसको कहीं पर भी स्किप मत करना। स्किप कर दोगे फिर बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में लास्ट में आप मुझे कुछ भी बोलोगे। इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो मैं बिना किसी रुकावट आपको इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले अपने स्नैपचैट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो मैंने पहले किया हुआ था, आपको उस किया हुआ तो आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए उसको ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, वो आपका कैमरा ऑन होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखो कोने में एक आपको एक अपनी आईडी का निशान दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखो अपनी आईडी का जो ये प्रोफाइल कुछ ऐसा सेटिंग जैसा ऑप्शन आपको देखने को मिल गया। अब ये देखने को मिला, तो अब आपको कॉपी कैसे करना है ये मैं आपको अब बताता हूँ। तो आपको ये देख सकते हो स्कैनर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो स्कैनर के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा तो अब आपको कॉपी कैसे करना है मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हो आप इसको सेव कर सकते हो स्कैनर को, आपको कुछ भी कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। बट हमें कॉपी करना है लिंक को। तो कॉपी कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ है शेयर माई प्रोफाइल लिंक। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। फिर बाद में आपको इसे शेयर व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो, सीधे कुछ भी कर सकते हो। आपको इसको कॉपी करना है तो आपको ये कॉपी वाला निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ से कट कर लेना है। फिर बाद में आपको जिसको भी भेजना है इस लिंक को आप भेज सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर भेज के आपको बताता हूँ कैसे भेजते हैं। तो मैं अभी इस बंदे को भेजता हूँ, अब देखना कि कैसे इसके ऊपर मैं भेजता हूँ। तो आपको कुछ नहीं, इसके यहाँ मैसेज लिखे इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फिर बाद में आपको पेस्ट का निशान दिखाई दे देगा। अब तो आपको पेस्ट करें इसके ऊपर क्लिक करना है। पेस्ट करें इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आइए आपको ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये देख सकते हो अपनी स्नैपचैट की आईडी है, जो स्नैपचैट की आईडी, आप इसको शेयर कर सकते हो और इसको लिंक बड़ी आसानी से कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि स्नैपचैट की आईडी को कैसे कॉपी करते हैं, उसके लिंक को कैसे कॉपी करते हैं, सब कुछ आपको डिटेल से मैंने समझा दिया। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे, तो आपको ये मुनाफा होगा कि आपको ऐसे जेन्युइन ओरिजिनल आपको वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी आपको पता होगा कि फ्रॉड तो पूरी दुनिया करने में बैठी है। आप फ्रॉड फ्रॉड फिर बाद में चैनल पर देखोगे, फिर बाद में आप भी मुझे भी कुछ गलत समझोगे। बाकी मैंने आपको आपको रियल चीज़ बताई है। बाकी मैं मिलता हूँ उसे नए वीडियो से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों जिसने हमें फॉलो किया हुआ है। बाय बाय, धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। बाय बाय।